हेलो दोस्तों, मैं क्लास 3 का वर्कशीट 3 बता रहा हूँ दोस्तों। ये वेट चैप्टर का है। चलिए दोस्तों, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज से बनाना है। मिस नीना बाउट 9 kg 750 g ऑफ शुगर इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ। महीनाओं के शुरू में जो है इन्होंने इतना शुगर खरीदा। सी यूज 4 kg 500 g ऑफ शुगर ड्यूरिंग द मंथ। इस महीने में इन्होंने इतना यूज किया। हाउ मच शुगर वाज लेफ्ट, कितना बचा हुआ है। दोस्तों इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो, इसमें घटाएंगे तभी ना बचा हुआ मिलेगा। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम दोस्तों बनाना है। तो द वेट ऑफ शुगर दोस्तों यहीं से लिख रहे हैं, इन द बिगनिंग डबल एन होगा ING बिगनिंग ऑफ अ मंथ इक्वल टू दोस्तों कितना है, डटेगा भी नहीं, बेकार लिखे दोस्तों, इतना नहीं लिखेंगे, कम में कर देता हूँ। द वेट ऑफ शुगर इक्वल टू है 9 kg 750 g। उसके बाद लिखेंगे वेट ऑफ शुगर यूज, कितना यूज किया दोस्तों, तो 4 kg 500 g। तो यहाँ हो जाएगा वेट ऑफ शुगर लेफ्ट। तो यहाँ 0 में 0 घटाएंगे तो 0, 5 में 0 घटाएंगे तो 5, 7 में 5 घटाएंगे तो 2 इतना ग्राम हो जाएगा, और 9 में 5 घटाएंगे तो 4। तो दोस्तों 4 kg 250 g ये बचेगा दोस्तों। तो यहाँ हम लोग को करना है, फिर लिखना है 10, हाउ मच शुगर वाज लेफ्ट। तो 5 kg 250 g शुगर वाज लेफ्ट। दोस्तों यहाँ देखिए हाउ मच की जगह बस बैठा देना है। नेक्स्ट 2 नंबर बता रहा हूँ। मिस्टर राहुल बाउट 8 kg 350 g ऑफ एप्पल्स एंड उसके बाद इतना एप्पल खरीदा। ही फाउंड दैट 1 kg 240 g ऑफ एप्पल वेयर अनरैप। इतना एप्पल जो है रैप में लगा हुआ है। रैप क्या होता है दोस्तों, ऊपर में जैसे ये स्टिकर लगा हुआ ना, ऐसे आप देखे होंगे एप्पल में, बहुत सारे एप्पल में रैपिंग किया हुआ रहता है ऊपर से। फाइंड द वेट ऑफ है ना, ऑफ रैप एप्पल। इतना रैप नहीं है तो उसमें, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें भी लिखेंगे वेट ऑफ एप्पल कितना है दोस्तों, 8 kg 350 g। वेट ऑफ एप्पल इतना जो है दोस्तों क्या है, ये फाउंड इन अनरेप्ड इक्वल टू कितना है दोस्तों, 1 kg 240 g। तो हो जाएगा दोस्तों वेट ऑफ एप्पल्स रैप। तो इस ग्राम में हो जाएगा 0 में 0 घटाएंगे 0, 5 में 4 घटाएंगे तो 1, 3 में 2 घटाएंगे तो भी 1, और kg में हो जाएगा 8 में 1 घटाएंगे तो 7। दोस्तों 7 kg 110 g बचेगा। तो यहाँ फिर कैसे लिखेंगे, फाइंड द वेट ऑफ रैप एप्पल है ना। तो कितना हो जाएगा, द वेट ऑफ रेप एप्पल इज 7 kg, यहाँ लिखे भी हैं द वेट ऑफ रेप एप्पल इक्वल टू इज का वर्क करता है दोस्तों 7 kg 110 g। 3 नंबर बता रहा हूँ। 3 नंबर में अ गर्ल वेट 33 kg 520 g। दोस्तों एक गर्ल का वेट है 33 kg एंड 520 g। सी लोस्ट 1 kg 210 ग्राम ड्यू टू इलनेस। दोस्तों बीमारी के कारण इतना जो वेट ना उसका कम हो गया। वाट इज द वेट नो, अब कितना वेट है, इसमें भी सब ट्रैक होगा।
तो हो जाएगा वेट ऑफ गर्ल इक्वल टू कितना दोस्तों 33 kg 520 ग्राम। वेट ऑफ गर्ल क्या हो गया लॉस्ट, तो ड्यू टू इलनेस लिख सकते हैं दोस्तों, कितना लॉस किया तो 1 kg 210 ग्राम। जीरो, टू में वन घटाएंगे तो वन, फाइव में टू घटाएंगे तो थ्री, उसके केजी में क्या हो जाएगा थ्री में वन घटाएंगे तो टू थ्री, है ना। तो व्हाट इज हर वेट नो, तो क्या हो जाएगा वाट की जगह लिख देते हैं 32 kg 310 ग्राम इज हर वेट नो। अगला बता रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट है अ हाउस वाइफ, मतलब एक जो सो दोस्तों काम करती है जो हाउस वाइफ है, बाउट 2 kg 350 ग्राम पोटेटो एंड 1 kg 100 ग्राम टोमेटो, इतना पोटेटो इतना टोमेटो खरीदा, फाइंड द टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल सी बाउट। दोस्तों ये भी वेजिटेबल है ये भी है, इसका मतलब दोनों को ऐड करना है। तो फोर नंबर बता रहा हूँ, वेट ऑफ पोटेटो इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 2 kg 350 ग्राम, वेट ऑफ टोमेटो इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों कितना है 1 kg 100 ग्राम। तो टोटल वेट हो जाएगा दोस्तों ऑफ किसका, तो वेजिटेबल का, जीरो प्लस जीरो जीरो, फाइव प्लस जीरो फाइव, थ्री प्लस वन फोर, और केजी में कितना हो जाएगा टू प्लस वन थ्री। तो दोस्तों यहाँ बोला फाइंड द टोटल वेट, तो टोटल वेट निकालना हम लोग को 3 kg 450 ग्राम, है ना, वेट ऑफ वेजिटेबल सी बाउट। दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं सी बाउट 3 kg 450 ग्राम वेट ऑफ वेजिटेबल, तो भी ठीक। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा। थैंक।